कुलगाम में आतंकियों के खिलाफ कल शुरू हुआ सेना और पुलिस का ऑपरेशन खत्म हो गया है। ऑपरेशन में जैश के 3 आतंकी मारे गए, जबकि पुलिस अधिकारी DSP अमन ठाकुर और सेना के हवलदार शहीद हो गए। मुठभेड़ में एक मेजर और जवान भी घायल हुए हैं। मारे गए आतंकियों में से 2 की पहचान कुलगाम के राकिब अहमद शेख और गुलजार अहमद भट्ट के रूप में हुई है। 3रा आतंकवादी पाकिस्तानी बताया जा रहा है। ये ऑपरेशन लगभग अभी खत्म हो रहा है। डेड बॉडी एक वहाँ पर अभी रिट्रीव करी है, जो मुझे बताया है, और इसमें 1 या 2 और लोग मिलिटेंट जो हैं उसमें मारे जाने की खबर है। जो शुरुआती खबर थी उसके मुताबिक ये जैश का ग्रुप था, मिलिटेंट का, जो किसी जगह पे छुपा। इस ऑपरेशन ने भी एक बार फिर वही सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर शहीद कब तक? एनकाउंटर में शहीद DSP को आज आखिरी विदाई दी जाएगी। ये दर्द है शहीद अमन ठाकुर के परिजनों का, जिनकी कुलगाम में आतंकियों से मुठभेड़ में शहादत हो गई। शहादत की खबर के बाद से ही जम्मू में उनके घर में मातम है। जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारी अमन ठाकुर अपने पीछे माता पिता, पत्नी, एक छोटे बेटे और भाई को छोड़कर गए हैं। जम्मू के डोडा जिले के रहने वाले DSP अमन ठाकुर पिछले 7 सालों से रेशमगढ़ इलाके में किराए पर रहते थे। उनके मिलनसार व्यवहार की वजह से पूरा इलाका गम में है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी शहीद परिवार के घर पहुंचे तो लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद की नारेबाजी की। पाकिस्तान, 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 पाकिस्तान।